नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करेंगे कूलाम के नियम के बारे में। ठीक है, कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि जो विद्युत आवेश है उनके मूल गुण के बारे में कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आज की क्लास में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कूलाम के नियम की। ठीक है, अब कूलाम के जो नियम है यहाँ पे दो प्रकार से देखेंगे और दोनों ही प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिन पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। अब इसमें से पहला क्वेश्चन कैसे बनता है और कैसे एग्जाम में पूछा जाता है तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले बात करें कि जो कूलाम का नियम है इस कूलाम का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका जो पूरा नाम है चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलाम। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, उसके बाद में सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है और पहले पूछा गया है वो ये पूछा जाता है कि जो कूलाम का नियम होता है ये किस नियम पर आधारित है। ठीक है, तो यहां से पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कूलाम का नियम है, ठीक है, ये किस नियम पर आधारित है, तो कूलाम का जो नियम है ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि जो कूलाम का नियम है ये किस नियम पर आधारित है, तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के नियम पर आधारित है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कूलाम के पहले नियम की। ठीक है, कूलाम के पहले नियम की, यह है इसका पहला नियम। और इसके बाद में करेंगे दूसरे नियम की बात। ठीक है, और दोनों ही नियमों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले बात करें, पहला नियम देखो, दो सहजातीय आवेश, ठीक है, दो सहजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण, और प्रतिकर्षण का मतलब क्या होता है, रिपल्सन। ठीक है, अब देखो, दो सहजातीय आवेश, सहजातीय आवेश का मतलब क्या होता है, समान आवेश। ठीक है, यानी मान लो मेरे पास एक ये धनात्मक आवेश है और दूसरा ये भी क्या है, धनात्मक आवेश है, तो दोनों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण का मतलब क्या होता है, रिपल्सन होगा। ठीक है, अगर मेरे पास में एक ऋणात्मक आवेश है और दूसरा भी क्या है, ऋणात्मक आवेश है, तो दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा यानी रिपल्सन होगा। ठीक है, तो जो समान प्रकार के आवेश होंगे उनके बीच तो क्या होंगे, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, दो सहजातीय आवेश, सहजातीय आवेशों का मतलब हो गया समान प्रकार के आवेश। अगर मेरे पास में यह भी क्या है, धनात्मक आवेश, और यह भी क्या है, धनात्मक आवेश, तो दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा यानी रिपल्सन होगा। अगर मेरे पास में ऋणात्मक आवेश है, ठीक है, यह भी ऋणात्मक आवेश है और यह भी क्या है, ऋणात्मक आवेश है, तो दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, उसके बाद में दूसरा पॉइंट है, दो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षण करते हैं। ठीक है, विजातीय आवेश का मतलब होता है कि मेरे पास मान लो एक क्या है, धनात्मक आवेश, क्या है, धनात्मक आवेश, और एक क्या है, ऋणात्मक आवेश, तो दोनों में क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक है, या फिर एक मेरे पास मान लो ऋणात्मक आवेश है और दूसरा क्या है, धनात्मक आवेश है, तो दोनों में क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक है, और इसका मतलब यह है, विजातीय का मतलब होता है असमान प्रकार के जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं। ठीक है, तो इनके बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक है, समान प्रकार के आवेश हैं, ठीक है, समान प्रकार, जो समान प्रकार के आवेश हैं उनके बीच तो क्या होगा, प्रतिकर्षण, और जो असमान प्रकार के आवेश हैं उनके बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक है, तो ये होता है इनका पहला नियम। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि दो समान प्रकार के आवेशों के बीच होता है प्रतिकर्षण या आकर्षण या दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो समान प्रकार के में तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और असमान प्रकार के में क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक है, इस पॉइंट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और पहले पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको यहां से बता दिया कि कूलाम का जो नियम है किस नियम पर आधारित है, तो न्यूटन के
गुरुत्वाकर्षण बल के नियम पर आधारित है। ठीक है, अब देखते हैं इसका दूसरा नियम। कूलाम का पहला नियम अभी हमने देखा था कि जो समान प्रकार के आवेश होते हैं उनके बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। और जो असमान प्रकार के आवेश होते हैं उनके बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कूलाम के दूसरे नियम के बारे में। ठीक है, कूलाम ने कहा कि दो आवेश है, एक Q1 और दूसरा है Q2। ठीक है, एक Q1 और दूसरा है Q2। इन आवेशों की जो बीच की दूरी है वो क्या होती है, वो होती है R। और इन आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है वो क्या होता है, F होता है। ठीक है, अगर आवेश ज्यादा है, ठीक है, तो बल भी क्या लगेगा, ज्यादा। और अगर आवेश कम है तो बल भी क्या लगेगा, कम लगेगा। अगर इन आवेशों की बीच की दूरी क्या है, ज्यादा, तो बल क्या लगेगा, कम। और अगर इन आवेशों की बीच की दूरी क्या है, कम, तो फिर बल क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहां से एक फॉर्मूला बनता है, एफ बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, यहां से ये एक फॉर्मूला बन जाता है, जहां पे देखो एफ क्या होता है, बल। ठीक है, उसके बाद में Q1 Q2 क्या होता है, आवेश। उसके बाद है R, R क्या है, आवेशों की बीच की दूरी। ठीक है, उसके बाद है K, तो K क्या होता है, K होता है नियतांक। ठीक है, इतने से को करो नोट और इसके बाद में करते हैं इसके आगे। उसके बाद में बात करते हैं कि आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है वो निम्न कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, जिसमें पहला है F समानुपाती K, यानी आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, अब यहां से एक फॉर्मूला निकल के आता है, K बराबर 1/4π एप्साइलेंस नॉट एप्साइलेंस R। ठीक है, अब यहां पे ये जितने पॉइंट है ये सारे के सारे पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जितने आंकड़े मैंने यहां पे नोट किया है ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले K का मान पूछे, तो K का जो मान होता है वो 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होता है, K का मान होता है। उसके बाद में देखते हैं एप्साइलेंस बराबर क्या होता है, तो एप्साइलेंस बराबर होता है एप्साइलेंस नॉट एप्साइलेंस आर। ठीक है, अब एप्साइलेंस क्या है, एप्साइलेंस है विद्युतशीलता यानी परमिटिविटी। ठीक है, अब इसका मात्र क्या होता है, विद्युतशीलता का मात्र क्या होता है, तो फेरेड प्रति मीटर होता है। क्या होता है, फेरेड प्रति मीटर होता है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं एप्साइलेंस नॉट की। ठीक है, तो एप्साइलेंस नॉट जो है ये क्या है, हवा या निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, हवा या निर्वात की विद्युतशीलता। उसके बाद में जो एप्साइलेंस नॉट है इसका मान कितना होता है, तो ये मान भी क्या है, एग्जाम में पूछा जाता है और कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका मान कितना होता है, तो 8.8854×10⁻½ फेरेड प्रति मीटर। ठीक है, किसका मान होता है, एप्साइलेंस नॉट का मान होता है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं एप्साइलेंस आर की। एप्साइलेंस आर क्या है, सापेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, क्या है, सापेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, अब हवा या निर्वात में इसका मान कितना होता है, कितना होता है, एक होता है। कितना होता है, एक होता है। और ये इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मात्रकहीन होता है। ठीक है, क्या होता है, मात्रकहीन होता है। ठीक है, तो इन पॉइंटों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है
और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। इसके बाद में करते हैं दूसरे पॉइंट की बात। उसके बाद में है दूसरा पॉइंट, एफ समानुपाती Q1 Q2 यानी आवेश के गुणनफल के समानुपाती पर निर्भर करता है। यानी आवेश अगर ज्यादा है तो बल भी क्या लगेगा, ज्यादा, और अगर आवेश कम है तो बल भी क्या लगेगा, कम लगेगा, ठीक है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट है एफ समानुपाती 1/r² यानी आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। यानी बीच की दूरी, अगर बीच की दूरी क्या करोगे, बढ़ाओगे, तो जो आवेश होगा वो क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, आवेश घटेगा, ठीक है। उसके बाद में अगर बीच की दूरी को, ठीक है, यानी r को क्या करोगे, दो गुना किया जाए तो बल क्या होगा, बल हो जाएगा 1/2, ठीक है, यानी 1/4 गुना, या फिर इसे कह सकते हैं 1/4। क्या कह सकते हैं, 1/4। अगर बीच की दूरी को यानी r को तिगुना किया जाए तो बल क्या होगा, तो बल क्या होगा, 1/9, ठीक है। तो इन सारे पॉइंटों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पहले पूछा गया है, यहां से क्वेश्चन पहले पूछा गया है, ठीक है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। उसके बाद में बात करते हैं, ये कुछ पॉइंट है कुलाम के नियम से रिलेटेड, इसीलिए थोड़ा सा ये भी हमें ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक है। पहला पॉइंट है कुलाम का नियम केवल बिंदु आवेश, ठीक है, यानी पॉइंट चार्ज के लिए लागू होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है यदि दो आवेशों के बीच की दूरी, ठीक है, दो आवेशों की बीच की दूरी अगर 10^-15 मीटर से कम हो तो नाभिकीय बल के कारण जो कुलाम का नियम है वो कार्य नहीं करेगा या नहीं करता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है दो आवेशों की बीच की दूरी अत्यधिक होने पर भी कुलाम का नियम कार्य नहीं करता है, ठीक है।